कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक में शामिल होने के बाद सीएम भूपेश बघेल शुक्रवार को रायपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की। सीएम भूपेश ने कहा कि 15 अक्टूबर को कांग्रेस की पहली सूची आएगी। सभी पहल पर विचार विमर्श किया गया, बहुत अच्छी सूची होगी, मजबूत प्रत्याशियों को टिकट देंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर कहा कि अमित शाह का दौरा कई बार रद्द हुआ है, अमित शाह आ जाएं तो मानेंगे। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने ये कहा कि बीजेपी के सभी नेता एक ही बात की रट लगाए हुए हैं, हम बटन दबाकर पैसा देते हैं, इसमें घोटाला कैसे हो सकता है। 300 करोड़ की गोबर खरीदी की 1300 करोड़ का आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि वरिष्ठ नेताओं के ज्यादातर सूची पर सहमति बन गई है। अभी इंतजार कीजिए, परसों तक, कल 13 है ना, 14 है, हाँ कल 14 है, 15 तारीख को आप देख लीजिएगा, सूची आ रही है और सभी लोगों से राय शुमारी करके संगठन के और उसके बाद सर्वे एआईसीसी के अपने सर्वे है उस सब को लेकर विचार विमर्श किया गया और सूची तैयार हुई है। नहीं नहीं भाई, इंतहा क्या है, तो हमारे साथ ही बोले कि पितृपक्ष में मत करिए, पितृपक्ष करके दुखना ही पड़ेगा ना, तो हमारी तैयारी तो पहले से थी। अरे लिस्ट जब आएगी ना बेमेदरिया जी, तब तो देख लीजिएगा, अभी कैसे मैं आपको बता दूं, अब वो कैसे बताते हैं आपको, जो हम सुझाव दिए हैं वो हाईकमान को दे दिए, लिस्ट जारी हाईकमान को करना है, तो उसमें सूची कम है ज्यादा है वो देखने के बाद पता चलेगा, लेकिन हम लोग महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा हम लोग टिकट देने की कोशिश। देखिए वैसे बोलिए थे अमित शाह जी, कई बार उनका दौरा कैंसिल हुआ है, यहाँ मतलब जगदलपुर का कार्यक्रम कैंसिल हुआ, रायपुर का कार्यक्रम कैंसिल, कितने बार कैंसिल हुआ, आज आया तब मान ले कहा अमित शाह जी आए, वो रख लिए हैं। मैं तो पहले बोला तो भाई 271 करोड़ का हम गोबर खरीदे और 1300 करोड़ का आरोप लगाते हैं, कभी तो संभव हो सकता है, सीधा बटन दबाते खाते में जाता है, इसमें घोटाला कैसे हो सकता है।